नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर। देखते हैं होता क्या है। जब भी किसी पर्सन की किडनी लेस देन 10% या फिर बिल्कुल काम नहीं करती है, बहुत कम या बिल्कुल माइनर काम करती है, काम नहीं करती है, उस सिचुएशन में क्या होगा? जब किडनी काम नहीं करेगी तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में वो प्रॉपर नहीं होगा, और जब फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जिन सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट होना है, ब्लड से एलिमिनेट होना है, वो उनकी क्वांटिटी ब्लड में बढ़ने लगेगी, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स, कुछ अमाउंट अमोनिया का। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे ब्लड में बढ़ने लगेंगी तो उस सिचुएशन को, जब यूरिया हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो हम उसको यूरेमिया के नाम से जानते हैं। बॉडी का केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ओवरकम करने के लिए, फिर से नॉर्मल सिचुएशन में पहुंचने के लिए, एक शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए डॉक्टर्स ने एक डिवाइस डिस्कस फॉर्म किया, जिसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर। हमने इस फिगर को पहले से ड्रा करके रखा हीमोडायलाइजर को समझाने के लिए। तो अब ये किस बेसिस पे काम करेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो जब हमारे ब्लड में क्वांटिटी यूरिया की, किनकी क्वांटिटी बढ़ती है? यूरिया की, यूरिक एसिड की, क्रिएटिनिन की और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स की। तो उस सिचुएशन में किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो क्या किया जाता है? यहाँ से जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है, इस रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। इस एक ट्यूब के थ्रू रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। यहाँ पर एक पंप होता है। क्या होता है? पंप, जो इस ब्लड को आगे इस डिवाइस में पंप करेगा, ठीक है ना। इस ओवरऑल पूरे डिवाइस को हम हीमोडायलाइजर बोलते हैं। हीमो मींस ब्लड होता है, इसमें ब्लड को सेंड किया जाता है डायलिसिस के प्रोसेस के लिए, इसलिए इसको हीमोडायलाइजर बोलते हैं। पंप से इसमें ब्लड आता है, ये ब्लड इसमें ट्रेवल कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और जब इसका डायलिसिस हो जाती है तो ये रेडियल वेन के थ्रू फिर से बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। ये सिस्टम किस बेस पर काम करता है, इसको समझने की कोशिश करिए। इस डिवाइस को हीमोडायलाइजर बोलते हैं। डिवाइस में जो प्रोसेस होती है उसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। और जो फ्लूड यूज़ किया जाता है, जो ये रेड कलर से फ्लूड यहाँ फिल्ड है, यहाँ सेंड कर रहे हैं इस डिवाइस के अंदर और फिर ये निकल के आ रहा है, तो जो फ्लूड है इसको हम डायलाइजिंग फ्लूड या फिर डायलाइसेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो डायलाइजिंग फ्लूड या फिर हम इसको डायलाइसेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डायलाइजिंग फ्लूड है इसका जो कंपोजिशन होता है वो जस्ट हमारे ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होता है। इसमें जो ब्लड आ रहा है इस ट्यूब के अंदर, जो ब्लड आ रहा है, ये जो ट्यूब है ये सेलोफैन ट्यूब होती है। क्या होती है? सेलोफैन ट्यूब होती है और ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल नेचर की होती है, ठीक है ना। तो जो ब्लड इसमें आ रहा है, इस ब्लड में जो ब्लड का कंपोजिशन है वो जस्ट वैसा ही कंपोजिशन है किसका? इस डायलाइजिंग फ्लूड का, जो इस बाहर एरिया में भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर, सेलोफेन ट्यूब के अंदर हमारा ब्लड है। ब्लड का कंपोजिशन किसकी तरह है? इस डायलाइजिंग फ्लूड की तरह है। बस डिफरेंस इतना है, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है,
क्रिएटिनिन है, ये सब चीज़ें हमारे ब्लड में तो हैं क्योंकि किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन इस एरिया में नहीं होते हैं। समझने की कोशिश करिए, जो डायलाइजिंग फ्लूड है इसमें वो कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, और इसको हमें निकालना है। दूसरी चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि जो ब्लड कॉर्पसल्स हमारे इस ब्लड में मिलेंगी, इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर ब्लड कॉर्पसल्स के अलावा इसमें जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं वो इस सेलोफेन मेम्ब्रेन, जो सेलोफेन ट्यूब है, इस ट्यूब से फिल्टर नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे ब्लड में ही बनी रहती है, ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब क्या होता है, इस ब्लड में जो भी इस जो ब्लड है हमारा, इसमें जो भी अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं, लाइक जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन वगैरह है, वो डिफ्यूज़ कर जाता है किसके अंदर, वो डिफ्यूज़ कर जाता है इस जो डायलाइजिंग फ्लूड या डायलाइसेट भरा हुआ है यहाँ पर, इसमें डिफ्यूज़ कर जाता है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड है जिसमें से ये जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस निकल गए हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, तो अब हमारा ब्लड हो गया है प्योरीफाइड, ठीक है ना। तो ये ब्लड वापस रेडियल वेन के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब देखिए, थोड़ा और डीपली समझते हैं डिटेल में, जो डायलाइजिंग फ्लूड यहाँ भरा हुआ है, ये डायलाइजिंग फ्लूड अभी थोड़ा सा ब्लड यहाँ आया, उसका उसमें से डिफ्यूज़न हो गया उन सब्सटेंसेस का, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा का, तो ये जो फ्लूड है इसमें उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो जो अब आगे ब्लड आएगा उसका फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाहर यूरिया एक्सेट्रा पहले से प्रेजेंट है, अगर जितनी बाहर है उतनी अंदर होगी तो अंदर वाली बाहर आएगी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो क्या किया जाता है कि जो ये फ्लूड है इसको यहाँ से कुछ बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, ये बाहर कलेक्ट होता है। इस डायलाइजिंग फ्लूड में जो यहाँ कलेक्ट हो रहा है, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और जो अदर वेस्ट सब्सटेंसेज आपको इसमें मिलेंगे, अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेज यहाँ आपको मिलेंगे, और इस डायलाइजर में हम जो इसमें हमारा जो डायलाइसेट भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है ना, जो बिल्कुल हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन की तरह है, फ्रेश है, इसको यहाँ से सेंड कर दिया जाता है फिर से इस डायलाइजर के अंदर, ताकि इसमें यूरिया एक्सेट्रा नहीं है, वो यूरिया जो अगेन ब्लड आता है फिर से सेंड किया जाता है, उससे फिर इसमें डायलाइजिंग फ्लूड में आ जाती है। ये जो डिवाइस हमने यहाँ पर दिखाया है, इसमें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उस डायलाइजिंग फ्लूड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, कि जब ये डायलाइजिंग फ्लूड हमारी बॉडी टेम्परेचर का होगा, यहाँ से जाएगा उसका टेम्परेचर मेंटेन होके जाएगा, यहाँ भरा हुआ है तो जो ब्लड इसमें आएगा उस ब्लड का टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो जब उसका भी टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा तो वो तो हमारा ब्लड जब हमारी बॉडी में जाएगा तो कोई इम्बेलेंस क्रिएट नहीं करेगा हमारे बॉडी के टेम्परेचर में, ठीक है ना, और सेम टाइप के प्रोसेस और हमारा ब्लड हमारी बॉडी में बाद में चला जाएगा। तो जितना एसेंशियल कंपोनेंट था वीडियो में रिक्वायर्ड, मैंने उन उन चीज़ों को केवल दिखाया हुआ है, बाद बाकी भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट मैंने उतना ही दिखाया जितना ज़रूरी है। तो समझ गए होंगे आप लोग, तो इसमें 3-4 टर्म आए हैं, तो ये जो डिवाइस है इसको हीमो डायलाइजर बोलते हैं, इस ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को, इस डिवाइस के अंदर ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हीमो डायलिसिस बोलते हैं, सिंपली कभी कभी इसको हम डायलिसिस भी बोल देते हैं, और जो डायलाइजिंग फ्लूड यूज़ होता है जो बहुत एसेंशियल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग फ्लूड बोलते हैं, या फिर हम इसको डायलाइसेट भी बोलते हैं। एक पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट लर्न करने वाला है, जो इस डायलाइजर के अंदर ट्यूब होती है जिनमें ब्लड को सप्लाई किया जाता है, ये किसकी बनी होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो कि अपने आप में सेमी परमिएबल होती है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।